महाराष्ट्र से हेलो, गुड आशा मॉर्निंग। जी, स्वागत है आपका नमस्ते मैडम। जी। नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। आशा जी, खुश आमदीद, आपका स्वागत है। जय हिंद। सर मेरे दो सवाल हैं। सर आप जो अश्वगंधा इसबगोल की भूसी और गोंद का तीरा का जो नुस्खा बताते हैं चेहरे के लिए, तो वो नुस्खा क्या मैं ले सकती हूँ सर, और कितना लेना है? और मेरा दूसरा सवाल है सर, मैं जब भी कार वगैरह में जाती हूँ तो सर मुझे बहुत उल्टियाँ भी होती हैं और मुझे सूट नहीं होता, और जी भी बहुत मिचलाता है, तो सर उसके लिए कोई इलाज बता दीजिए। और सर मैंने आपसे ना सभी नुस्खे लिख लिए सर, मेरा रजिस्टर पूरा भर गया है सर, और मैं सबको नुस्खे भी बताती हूँ और सबको बहुत फायदा हो रहा सर। आपका नंबर इनको देकर रखिए। आप जी। ये बंबई विजिट करती हैं, आपके यहाँ ये तशरीफ लाएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी, और आपने जिन लोगों को भी फायदा पहुँचाया है उनके भी इंटरव्यू लेंगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपना नंबर लिखवा दीजिए। ये पीसीआर वालों को उससे दरख्वास्त है कि मैम का नंबर लिख ले, और ये आपको फ़ोन करेंगी इस ताल्लुक से। और जी। सवाल बताइए। इनका सवाल है अश्वगंधा इसबगोल और जो कतीरा वाला जो नुस्खा है, क्या ये खुद इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, देखिए, इसमें इस्तेमाल करने के लिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा एक चुटकी होना चाहिए, इसबगोल एक या दो चम्मच, और कतीरा 1 ग्राम। ये पानी में मिलाकर आप पूरे दिन में एक बार लिया करें, दूध में मिलाकर एक बार लिया करें, या नमक जैतून के पानी से इसको ले सकते हैं। जिन्हें दूध नहीं चलता है वो नमक जैतून के पानी से भी ले सकते हैं, एक चुटकी नमक जैतून से। देखिए, उल्टी जी मचलाता है। उल्टी के लिए नमक जैतून बहुत अच्छा है लेके चले, लेकिन इससे भी अच्छी एक एलोपैथ में गोली आती है, उसका नाम है स्टेमेटिल। लिख लीजिए, एलोपैथ में एक गोली आती है जिसको स्टेमेटिल कहते हैं। हिचकी हो, उबकाई हो, उल्टी हो, पेट में कोई तकलीफ हो, जब आप सफ़र में जाया करें उससे 1 घंटा पहले एक गोली खा लिया करें, स्टेमेटिल। स्टेमेटिल एक गोली जो लोग खाएं उनकी सफ़र की उल्टी से निजात मिलना मुमकिन है। ये एलोपैथिक है, आप इसे लिख कर रखें। ये दवाइयों की मालूमात लोगों को नहीं होती, और होती है तो हमारे हज़ारों रुपये बचते हैं और बहुत बड़ी परेशानी भी बच जाती है।